चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में मज़े का ब्रेकफास्ट बन गया है, खा भी लिया है, थोड़ा सा मैं ज़रा आराम से शो के बाद खाऊंगी। अब टाइम है काम की बात करने का। काम की बात के सेगमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पीयर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। पीयर कहा जाता है दोस्तों को, प्रेशर का मतलब हम सब जानते हैं कि दोस्तों की सोहबत में कुछ ऐसा प्रेशर हमें फील होता है कि किसी दोस्त के पास ज़्यादा, फॉर इंस्टेंस हमें ऐसा लगता है कि पैसे हैं, वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो ज़्यादा घूमते फिरते हैं, उनके पेरेंट्स उनको रोक टोक नहीं करते और आपको अगर करते हैं तो आप ही हमेशा प्रेशर फील करते हैं कि मेरा दोस्त यानी कि मेरा पीयर जो कर रहा है वो क्यों मैं नहीं कर सकता। फिर उस चक्कर में पेरेंट्स से भी लड़ाई होती है, हर फैमिली अलग होती है, लेकिन बच्चे के लिए समझना, एक टीनेजर के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं एंड आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। कोई भी आपका अपना आपके अपने बच्चे टीनेजर से रिलेटेड वाक्य आप शेयर कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम एनेक्स, तो वो भी सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आमना अलाउद्दीन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आमना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मोस्ट वेलकम। और हमारे साथ टीनेजर्स मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है महासाद। अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड। एंड साथ में हमारे साथ मौजूद है हमजा अहमद जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सही, अल्हम्दुलिल्लाह सही। ऑल राइट, दोनों स्टूडेंट्स हैं, यू आर वेरी यंग टीनेजर्स। तो हम बात पहले स्टार्ट करते हैं आमना से कि जो पीयर प्रेशर है एग्जैक्टली है क्या? देखें, ये जो एज आपने मेंशन की ना, टीन एज, ठीक है, ये एज होती है आइडेंटिटी की। इसमें हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, तो हम आइडेंटिटी को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, तो हम दुनिया को बहुत अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यू नो, ये वो एज होती है आपको लगता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, मैंने क्या करना है दुनिया के साथ। अब पीयर प्रेशर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, इट हैज़ बोथ कॉनोटेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पर यूजुअली ये होता है कि आप हर जगह पे फिट इन होने लगते हैं, तो आपको होता है कि अच्छा मैं इस चीज़ से बिलोंग करता हूँ या मैं इस चीज़ से बिलोंग करता हूँ। उस चक्कर में कभी कभार ऐसे हो जाता है कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो यू नो, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, अब उसमें फ़िट इन होने के लिए आपको कुछ आदत ऐसी पिक करनी पड़ जाती हैं जो शायद आपके बिलीफ से मैटर नहीं करती, यू नो, मैच ही नहीं करती, आपके पेरेंट्स के बिलीफ से मैच नहीं करती। यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं कि क्या मैं अकेले होकर अपनी आइडेंटिटी बनाऊँ, क्योंकि ये मुश्किल होता है, ये एज ही होती है लोगों की, या मैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो बात मान लूँ ताकि मैं उनके पास फिट इन हो जाऊँ। तो पीयर प्रेशर होता है आपके आसपास के, आपकी सिमिलर एजेस का यूजुअली प्रेशर टू बी वांटेड टू बी लाइक देम। सो इस चक्कर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी आइडेंटिटी के वक्त कि मैं यहाँ से ये उठा लूँ या वहाँ से वो उठा लूँ, या मैं अकेले भी इस बैटल को लड़ सकता हूँ, बिकॉज बड़े आपको बोल रहे होते हैं ओ अभी तो तुम छोटे हो, कुछ लोग आपको बोल रहे होते हैं ओ अब तो तुम लोग बड़े होने लगे हो। सो इट्स जस्ट अ कंफ्यूजिंग स्टेट टू यू नो बी वेयर। सो आई थिंक सो दिस इज वेयर वी कैन से कि दिस इज पीयर प्रेशर। बिल्कुल। और दोनों महा और हमजा दोनों ने कहते हैं कि आपका जो पीयर प्रेशर है आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि फ्रेंड्स ये करते हैं बट आई एम नॉट दिस? ऑनेस्टली हाँ, ये आता है कि एक अभी जैसे वो जस्ट न्यू अभी स्टेप इन किया था ए लेवल्स में, इट वाज लाइक डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे, इट वाज रियली हार्ड कि लाइक उन ग्रुप्स में ही दोस्त बनाना वाज रियली हार्ड, या अपना ग्रुप बनाओ या किस तरह से करना है। सो वन ऑफ देम वर लाइक वो पॉपुलर किड्स थे, उसके लिए आई हैड टू फिट इन, मतलब ये काम करने हैं वो काम करने हैं, कुछ लाइक गलत काम करते थे तो उसके लिए भी कभी कभार दे यूज टू फोर्स यू कि ये भी काम कर लो, सो दैट यू नो मुझे हो कि आई नीड टू फिट इन, बिकॉज न्यू स्कूल था, आई हैड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, फिर कभी कभार आई हैड टू बी विद लाइक इन तरह के लोग जो लाइक जो बिहेवियर है और यही जरा मेरे पॉइंट के साथ भी टाई कर रहा है कि इन्होंने अभी अभी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के अंदर ये जो बात की है ये एक बड़ी क्रूशल बात है ज़रूर। इधर एक एक आई गेस क्रूशल बात इसलिए भी है क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है बच्चे को कि अपनी मैं आइडेंटिटी फॉर्म करूँ, तो अगर मेरे स्टूडियस ज़्यादा होने के बारे में बात आती है, आई गेस आई हैव अ मच ईजियर टाइम बींग मोर स्टूडियस, नॉट बिकॉज आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हर, दैट दैट्स ऑब्वियसली नो, मगर नहीं, बट बिकॉज आपको खुद पता होता है, आपके पास इतनी एक बिलीफ होता है कि यार व्हाट आई बिलीव व्हाट आई थिंक इज़ राइट फॉर माई सेल्फ, वो एक करेजस बिलीफ होता है, उसके लिए ज़रा हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत ढूंढना जो है हमारी टीनेज लाइफ में, आई गेस मेरे और मेरे दोस्तों के बीच में मैं यही चीज़ को ज़रा ढूंढ रहा होता हूँ कि
तुम जो सोच रहे हो, जो तुम्हारे गोल्स हैं वो हमारे गोल्स नहीं हैं, अपनी खुद की एक इंडिविजुअल पाथ को फॉलो करो. तो हाँ, आई गेस आई एम मोर स्टूडियस देन एंड देयर आर गुड रीजंस एंड इट्स ओके टू बी डिफरेंट. आमना, मुझे ये बताएं, अब आजकल के जमाने में ये जो आजकल के जमाने के टीनएजर्स हैं, दे नो एवरीथिंग, दे नो अच्छा डिफरेंसेस है, बट इट्स ओके टू बी डिफरेंट, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि पहले ज्यादा मुश्किल था कंबैट करना और समझना पीयर प्रेशर को, या अब ज्यादा मुश्किल? मुझे लगता है अब है, जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं. ये स्मार्टफोन के बच्चे हैं वाकई, क्योंकि इनकी दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है, और इसको एक्सेप्ट करने में हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एज वी आर ग्रोइंग, दे विल ग्रो. यस यस. लेकिन और मुझे ये भी लगता है, देखें, जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन का लेवल बड़ा होता है, राइट? हमें बहुत सारी चीज़ों की शायद अवेयरनेस नहीं थी, तो हम उस पर बात नहीं कर सकते थे. आज इन बच्चों को, क्योंकि उनकी अवेयरनेस है, तो ये उसकी बात कर सकते हैं. जब अवेयरनेस बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. इनसे उन ज़्यादा चीज़ों के सवाल होते हैं, इनको ज़्यादा लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर शायद हमारे पास फ़ोन्स की इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि फ़ोन्स भी इतने आलाशान मौजूद नहीं थे. आज हम पढ़ते ही सिर्फ फ़ोन्स और लैपटॉप्स के थ्रू हैं. सो उसमें कंट्रोल और बैक एंड, यू नो, बैलेंस रखना, और फिर आपकी अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस रखना, आई डू थिंक सो कि इन पे ऑटोमेटिक भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है. mm-hmm. और इसको कंट्रोल करना, बैलेंस करना और इक्वेट करना, आई डू थिंक सो इट्स अ टास्क. एब्सोल्युटली. कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, फिर आप दोनों से और अभी सवाल करने हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. कौन है हमारे साथ? जी, मैं खालिदा बात कर रही हूँ कराची से. आपके शो के बारे में मुझे बात करनी थी. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपके शो का फॉर्मेट इंतहा से ज्यादा अच्छा है, और मैं समझती हूँ आजकल जितने भी मॉर्निंग शो आ रहे हैं, उनमें से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शो मैं कहूँगी, क्योंकि इसका पैटर्न टोटली चेंज है. वो नहीं है कि आप जी मॉर्निंग शो कर रहे हैं और रिपीटेड चीजें दिखा रहे हैं. आपकी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपका बताने का, बयान करने का, और अपार्ट फ्रॉम दैट पे आपकी जो आमना है उनसे बात करना चाहूंगी प्लीज. हमारे जो, मुझे आपकी आखिरी वाली बात समझ में नहीं. आमना से बात करना चाहती हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल जी, आमना से बात करना चाह रही हूँ. कहिए आमना, सुन रही है आपकी बात. जी, अस्सलाम वालेकुम. जी जी, वालेकुम अस्सलाम. आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं? जी आमना, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ फिर के हिसाब से, कि आजकल के बच्चों, और मेरे भी तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरी यंगेस्ट बेटी हैं, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया स्कूल जाने के जमाने में. उनको सिर्फ ये होता था कि उन्हें ना जाने किस चीज का खौफ था, वो सुबह स्कूल जाने से बहुत ज्यादा डरती थी, और ये करती थी कि मामा एकदम से टाइम जैसे स्कूल जाने का होता था, नहीं मामा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, अंटिल के वो स्कूल जाने का टाइम खत्म हो जाता था. उसके बाद शी यूज्ड टू बी रिलैक्स एंड शी वेंट बैक टू स्लीप, दैट्स होता था उनके साथ. तो क्या मैं जानना चाहती हूँ इसकी रीजन क्या हो सकती है जब बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का. आमना, उनकी जो छोटी वाली बेटी है, वो पेट पर दर्द, भूख दर्द, नाक दर्द. देखिए, इन्होंने मुझे अपनी बच्चे की एज तो नहीं बताई, लेकिन अगर बच्चा वैसे भी इतनी डिसोनेंस दिखा रहा है ना स्कूल जाने से, देन दैट मींस कि आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के रादर देन उसको पुश करना स्कूल की टुवर्ड्स, ये देखना चाहिए. देखिए, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो बुलिंग के होते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं एक्सट्रीम बुलिंग के होते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं जहाँ बच्चा निग्लेक्ट फील करना शुरू करता है एज इन अ क्लास एंड अराउंड पीपल एज वेल. आई डू थिंक सो कि कुछ तो हम कहते हैं बच्चे यू नो तंग करने के लिए, एक दो दिन का बिहेवियर इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन अगर ये बहुत कंटिन्यूस है तो आई थिंक सो इनको अपने बच्चे के साथ बैठने की जरूरत है और पूछने की जरूरत है कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो उसको इतना डिस्टर्ब कर रही है कि वो उस चीज को इतना रेजिस्ट कर रहा है. क्योंकि देखें, कभी कभार पेरेंट्स को समझाना मुश्किल हो जाता है, तो आप दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं. अब उसका ना उठना, तबीयत खराब कर लेना is a sign, you know, कि he is asking or she is asking for help. I do think so कि parents को उसको comfortable करा के ये ज़रूर पूछना चाहिए कि if there is something in the environment of school जिससे वो threat feel कर रही है या danger feel कर रही है या you know कोई और case ना हो. So I do think so कि rather than pushing her to school, they need to talk to her. Very good answer.
कोई ऐसी चीज़ है इसी तरह की आपके लिए महा के पीयर प्रेशर में, इफ़ यू थिंक ये इट्स नॉट माय थिंग, इट कुड बी स्मोकिंग, इट कुड बी एनीथिंग विच यू नो कि अच्छा बैड हैबिट है ये मैं नहीं करूँगी, बट पेरेंट्स को आप बता पाती हैं कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट बट डोंट वरी आई वॉन्ट डू इट? या ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू मी टॉकिंग अबाउट स्कूल. मैं उनको बताती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं स्कूल में एंड देयर लाइक हाँ तुम तो नहीं करती ना. मैंने कहा नहीं नहीं आई स्टे अवे फ्रॉम दोस थिंग्स, लेकिन इट्स फाइन कि होता है. आई टेल हर कि उनको पता, क्योंकि एक अच्छा तरीका होता है कि आप उनको एक बता दो कि स्कूल में एनवायरनमेंट कैसा है ताकि आगे कुछ हो भी तो दे नो कि ठीक है इस तरह की चीज़ें थी और इस तरह का है. एंड यू नो ट्रस्ट उसमें बहुत ज़्यादा एक फैक्टर है कि दे शुड ट्रस्ट यू, या आपको अपने पेरेंट्स को उतना वो करना चाहिए कि आप उनको हर चीज़ बता सको. सो या उनको फिर ये सारी चीज़ें. एब्सोल्युटली. हमजा आपके केस में क्या है, आर यू लाइक ओपन विद योर पेरेंट्स, बता सकते हैं सब कुछ? More or less, yeah. मतलब my mom does know a lot about you know what's happening nowadays. Vaping इतनी common है, cigarettes and so on so forth. But I would say कि हाँ the fact के parents supportive होते हैं बहुत सारी जगहों पर, वो खुद ही एक फैक्टर होता है जो कि ज़रा रोक देता है आपको उस तरफ जाने में. बिकॉज आपको पता है ना कि एक चीज़ होती है जो हम देखते हैं कि जब किसी चीज़ से आपको रोका जाता है तो rebound effect आके नहीं तो मुझे करना ही होते हैं teenagers. मगर I would say again कि where there is a close relationship with parents, you know, you've got open dialogue, तो आप discuss करते हो चीज़ें. जब आप discuss कर रहे होते हो एक तरीके से आपको खुद पता होता है मैं क्या सोच रहा हूँ, तो उससे आप गलत decisions नहीं make करते usually. बिल्कुल. आपने वहाँ बात की थी popular gang, popular girls की, right? तो वो सबसे बड़ा ही peer pressure होता है. बहुत ज़्यादा. हमने सारे shows देखे होते हैं Netflix पे. So how do you being just 16 years old, how do you handle that? अभी आपने समझ लिया है कि अच्छा मैं उस clan का part हूँ नहीं हूँ, where do I fit? ऑनेस्टली थोड़ा सा लाइक होता है अभी तक, आई एम नॉट श्योर कि किस उसमें है. सो हाउ आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ इज कि मैं लाइक दूसरों जो दूसरे कर रहे होते हैं ना उससे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होती हूँ. तो आई ट्राई टू लाइक मेक माई सेल्फ कि ठीक है थोड़ा सा रिजिस्ट करती हूँ कि नहीं करूँ वो लोग जो करें, थोड़ा सा पीछे रहूँ एंड यू नो हर इंसान से दोस्ती रखूँ ताकि आई नो कि क्या क्या हो रहा है. एंड चाहिए तो मदद मिल जाए. आई मीन I don't know if I'm popular or not, but it's like a thing कि उस तरीके के दोस्त होने चाहिए कि वो आपको भी उस तरह push करे कि ठीक है अपना comfort zone से बाहर निकलो, be popular, be इस तरह की चीज़ें करो. So I feel like that is a thing. Awesome. Peer pressure पे हमारे साथ यहाँ पे दो teenagers भी मौजूद हैं, अपनी अपनी चीज़ें बता रहे हैं किस तरह से वो handle करते हैं. हमारे साथ clinical psychologist आमना मौजूद हैं. आमना, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक ये भी angle होता है कि जब parents फोर्स करें अपने बच्चे को कि आपके उस वाले फ्रेंड के ये ग्रेड्स आते हैं या इस कज़न के ये ग्रेड्स आते हैं तो आपके भी आने चाहिए, हाउ डू यू हैंडल दैट? आई थिंक सो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, ये हम सब कभी ना कभी तो गुजरे होते हैं. बहुत पेरेंटिंग के लिए बहुत एक्टिव होना पड़ता है ये रियलाइज़ करने के लिए कि हम कैसे पार्ट प्ले कर रहे हैं इस उम्र में अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो एज होती है जहाँ आपको उनके दोस्त बनने की ज़रूरत होती है रादर देन आप उनके ऊपर आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर वो ऑलरेडी अथॉरिटी से बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखते. सो बेटर होता है कि आप उनको कोएग्जिस्ट करना सिखाएं, विच इज़ कि वो आपसे बात कर सकें. कभी कभार पेरेंट्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हुई होती किसी भी वजह से. हमारे यहाँ बहुत आम देखा जाता है मदर्स नहीं पढ़ पाई या फादर्स ने यू नो अर्ली ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो वो चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लें. कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, वो उनके पास से अच्छी प्लेस से आ रहा है, लेकिन वो बच्चे की एस्पिरेशन उसकी स्ट्रेंथ से मैच हो रहा है नहीं, ये मुश्किल होता है. और फिर जब आप उसका दबाव बच्चे पे डालते हैं तो आई थिंक कभी कभी बच्चे ऐसे हो भी जाते हैं, वो दबाव में आ जाते हैं उस प्रेशर में और वो कर लेते हैं. बट आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस वो खुश नहीं होते कभी अपने करियर से, वो एक्सेल नहीं कर पाते उसमें. वो कर तो रहे होते हैं पर वो अंदर ही अंदर यू नो दे डोंट अप्रिशिएट व्हाट दे आर डूइंग. और फिर जब आप वही अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो आप कर रहे हैं तो फिर हम like we don't have happy adults around us, right? तो I think so parents को ये समझना चाहिए कि अपनी aspiration को साइड पे रखते हुए बच्चे की स्ट्रेंथ पे काम किया जाए, क्योंकि जब वो बाहर जा रहा है और ख़ासतौर पे आजकल की जिस तरह का हमारा एजुकेशनल सिस्टम है, हम बहुत स्ट्रेंथ ओरिएंटेड है कि जिसमें जो बेहतर है उस चीज़ को निकाला जाए rather than एक वही प्री कंसीव नोशन कि आपने डॉक्टर ही बनना है या कंप्यूटर साइंस बनना है या यू नो. तो आई थिंक सो येस, इसमें पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहना चाहिए कि उनके ड्रीम्स कहीं बच्चों के ड्रीम्स को हैम्पर ना करे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और इसमें मैं हमजा से भी पूछना चाहती हूँ कि हमजा इस वक्त ऑन गोइंग स्ट्रगल चल रही है, हमजा वांट्स टू गो फॉर लॉ और पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं मेडिकल, तो आपके पेरेंट्स इसको बड़ा अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं, वो क्या क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है आजकल इस बारे में? हमारे पास कॉन्वर्जेशन इसी बारे में हो रही है. देखिए कॉन्वर्जेशन जरूर उन्होंने बताना है कि बेटा मेडिसिन के अंदर ये है. मैं बोलूँगा कि लॉ मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि मुझे अपनी जबान ज़्यादा इस्तेमाल करनी है इंस्टेड ऑफ मेरे हाथ.
तो गुड पॉइंट, यू नो उस कॉन्वर्जेशन का अच्छी बात यही है कि नतीजा ये निकलता है कि बेटा देखो हम आपको एडवाइस देंगे, उसके बाद आपने डिसीजन खुद मेक करना. ज़रूर कभी कभार वो जो बैलेंस है वो ज़रा टिप कर जाता है कहीं ना कहीं, ज़रूर वो हर फैमिली में होगा, मगर ये बात ज़रूर है कि जिम्मेदारी दो तरफ होती है. पेरेंट्स को रियलाइज़ ये करना है कि देखें हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपने चाइल्ड को, हमें पता है हमारे नज़रिए में क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, तो पेरेंट्स वो रखें. उसके बाद बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की यही है कि वो सारी चीज़ों को ले रैशनली, क्या बोलते हैं, एक डिसीजन मेक करें. क्योंकि अगेन आई डू फील लाइक कि यू नो वी डोंट हैव हैप्पी एडल्ट्स. ज़रूर बिल्कुल, हमें खुद जो है आगे जाकर ऐसी चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर रखूँगा अपने आप को जो चीज़ मैंने खुद चूज़ करी हूँ, इंस्टेड ऑफ के ओनरशिप आ जाती है ये डिसीजन मैंने लिया है तो अब मैं किसी को जो है ना वो हाँ बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकता. कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम आयशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है हमारे साथ? जी मैं मिसेज एजाज कराची से. मिसेज एजाज क्या कहना चाहती हैं आप? आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है और आपके बच्चे जो बैठे हैं मेहमान और आपकी डॉक्टर वो बहुत अच्छी बातें कर रही हैं. मैं एक बात बताना चाहती हूँ. बचपन में जब मेरी एक दोस्त थी मेरे पड़ोस में, तो मैं वहाँ उसके घर खेलने जाती थी, तो उसके घर एक गार्डन था बहुत प्यारा सा और पूरा गार्डन फूलों से भरा हुआ था. ठीक है, मैं उसके यहाँ खेलती थी तो मुझे वो फूल तोड़ने नहीं देती थी और मुझे एक शौक था कि मेरे घर में फूलों और गार्डनों, मेरे घर में सहन था मगर इस तरह का गार्डन नहीं था जिसमें गार्डनिंग हुई हो. तो मैंने एक दिन उसकी अम्मी से कहा मैं एक फूल तोड़ लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ तोड़ लो. वो फिर कहीं चली गई और वो मेरे साथ खेल रही थी. मैंने क्या किया, जब वो घर के अंदर गई तो मुझे ना गुस्सा चढ़ा कि वो तोड़ने नहीं देती थी. मैंने जिद में कि इसके घर में फूल है और ये मना करती है, तो मैं उसके सारे फूल जो खिले हुए थे तोड़ के अपने घर ले आई. अगले दिन जब उनकी अम्मी मेरे घर पहुंची तो मेरे दिमाग में था मैं अपने अनजाने में जो कर चुकी थी जिद में, तो मेरी जो शिकायत लगी है और जो मेरी घर में क्लास हुई है और मैंने जो बातें सुनी अपने खिलाफ वो मैं सुन के सारी उम्र आज तक नहीं भूली. ओ माय गॉड, बहुत ही आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है. मुझे वहां बताएं कि जो पीयर प्रेशर है दैट योर फ्रेंड हैज समथिंग जो आपके पास नहीं है, उससे कुछ जो है वो ऐसा होता है कि कुछ डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा होता है. ऑनेस्टली इससे ज्यादा वो होता है कि आप अपने आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हो, जेलेसी का फैक्टर आ जाता है बीच में. एक तो आपकी दोस्ती, एक तो आप लोग रिफ्ट अपार्ट होते हो, दूसरी बात ये कि आप वो चीज़ जाने के लिए बहुत लिमिट्स तक जा सकते हो विच इज़ रॉन्ग. आप कुछ भी करना चाहते हो टू लाइक उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो फिर उस चीज़ के लिए आप बहुत चीज़ें करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए. सो आई फील लाइक ये सबसे बड़ा वो होता है नेगेटिव इम्पैक्ट पीयर प्रेशर का, कि आप कंपेयर करते हो और फिर उस चीज़ को पाने में यू लाइक लूज एवरीथिंग. अच्छा, डू यू हैव यू एवर, आपने कभी कम्युनिकेट किया है अपने पेरेंट्स के साथ कि मेरी फ्रेंड के पास ये है या उसके पेरेंट्स तो उसको ये देते हैं और मुझे ऐसा नहीं मिला, कभी कोई ऐसी कन्वर्सेशन हुई है? बहुत बार हुआ है. कैसे गई वो कन्वर्सेशन? मेरी दोस्त के पास ये बैग है और ये फ़ोन है और मुझे भी चाहिए, तो वो कहते हैं कि भाई हम सब कुछ नहीं दे सकते, लाइक हर उसका अपना डिफरेंट होता है. तो उसी से फिर मुझे थोड़ा होता रहता है कि ठीक है, यू नो माय पेरेंट्स आर ट्राइंग बट वो नहीं कर सकते, तो इट्स ओके फाइन. उस तरह से वेरी गुड पॉइंट. और आप ना देखिए आजकल जैसे पेरेंट्स हैं वो भी प्रेशर में पहले आ जाया करते थे कि कुछ भी है चाहे हम अफोर्ड कर सकें ना कर सकें, या हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि बच्चे को सब कुछ दे देना, तो भी वो देते थे. अब देयर इज अ डायलॉग, कन्वर्सेशन हो रही है. yes. कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक सो डायलॉग तो हर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका आपके पार्टनर से हो, मदर पेरेंट्स से हो, आपका आपस में हो, तो डायलॉग तो बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई थिंक सो डायलॉग इसलिए भी बढ़ता जा रहा है बिकॉज अगेन अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चों को पता है कि अपने लिए लड़ना कैसे है. जहाँ पर मुझे देखें कंपैरिजन और जेलेसी की बात आती है, ये बहुत ट्रू बात है कि जब आप पीयर प्रेशर की बात करते हैं ये दो चीज़ें बहुत सरफेस पर आती हैं. आई थिंक सो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एज अ नेशन भी ना हमें फुल स्टॉप कहाँ लगाना है हमें नहीं पता. हमें सब चाहिए और ये ग्रीड जो होती है ना, ये हम बचपन से बच्चे में डाल देते हैं खुद ही. बड़े स्कूल में जाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये, हम खुद कंपटीशन का पार्ट बनाते हैं और फिर हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, फिर हम उनको रोकते हैं कि नहीं मैं ये नहीं दे सकता और मैं ये नहीं दे सकता. आई थिंक बच्चों में बचपन से ही अगर हम ग्रेटफुलनेस इंस्टिल करा दें और उनको ये एहसास दिला दें कि चार चीज़ें कम हो पर तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी स्ट्रेंथ उससे कम नहीं होती. यू कांट बी डोनेटेड बाय हाउ गुड यू स्पीकिंग और हाउ गुड यू वेयरिंग. तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे जुड़ी होती है, हाउ यू नो कैरी योर सेल्फ एंड नो मैटर व्हाट यू वेयरिंग. अगर ये हम शुरू से बच्चों में करा दें तो आई थिंक सो वो बड़े होके इस प्रेशर में जो कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा हो जाता है इस उम्र में कि उसने कौन सा ब्रांड पहना हुआ है, उसने कौन सी चीज़ पहनी हुई है, ये थोड़ा कंट्रोल हो जाता है. बिकॉज ये वो हैबिट्स होती है ना जो कि रिपीट होती हैं. आपने बचपन में उनको दिखा दी, अब ऑफकोर्स उनके पास और कोई दुनिया ही नहीं है इसके अलावा. तो आई थिंक सो अगर हम ग्रेटफुलनेस को इंस्टिल कराना शुरू करें और हम थोड़ा मजबूत करें उस चीज़ को, तो आई थिंक ये कंपैरिजन और जेलेसी का लेवल हद तक कंट्रोल हो सकता है या ख़त्म नहीं हो सकता. इट्स वेरी नेचुरल टू फील दैट वे,
बट कंट्रोल हो सकता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा ना कर दे कि बच्चे बिल्कुल लोनली महसूस करना शुरू करें। एब्सोल्युटली। और इसमें एक पॉइंट आता है इंडिविजुअलिटी का, इंफरादियत का, कि जब आप ये फील करते हैं हमजा कि आप मुख्तलिफ हैं अपने फ्रेंड से इन एनी वे, गुड वे बैड वे, तो वो पेरेंट्स का या आपके फैमिली मेम्बर्स का क्या रोल होता है आपको ये कॉन्फिडेंस देने में कि यू आर ग्रेट द वे यू आर? ज़रूर, यानी मैं अगर अपने ही बचपन की मैं बात करूँ तो कंपैरिजन हर जगह पे होता है, राइट, कि वो देखो वो कितने अच्छे ग्रेड्स ला रहा है या वो देखो वो कैसे बातचीत करता है, तो उसी की तरह बनो, उसी की तरह बनो। तो जब हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये ही मुझे बताएगा कि मुझे कैसा होना है, मैंने एक चीज़ जो देखी है मैं अपने पीयर्स के साथ ही जब मैं खुद काम कर रहा होता हूँ, ये कंपेटिटिव नेचर जो है ना ये डेवलप हो जाती है कि मैंने उससे बेहतर होना है, मैंने उससे बेहतर होना है, तो साथ काम करने में मुश्किल हो जाती है उस वजह से। तो इंडिविजुअलिटी का क्या रोल होता है फैमिली का, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर अगर आप बच्चे को खुद बताते हो कि बेटा क्या पसंद है तुम्हें, बच्चा बताता है कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, पेरेंट्स फिर वैलिडेट करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं अच्छी बात है, उसी के बारे में बातचीत करते हैं, इंस्टेड ऑफ के वो देखो वो नहीं कर रहा, वो ये कर रहे हैं, तुम ये नहीं कर रहे, उसी की तरह बनो, उधर से फिर वो इंडिविजुअलिटी का लॉस हो जाता है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की थी आमना कपड़ों से मुताल्लिक़ कि कौन क्या पहन रहा है, राइट। सो मैं चाहूंगी, तो वैसे तो आप हमजा से भी पूछूंगी, मगर आई थिंक यू विल आल्सो वांट टू से समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि बचपन में हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, एंड आई थिंक अगर बैक उसकी स्टोरी पे जाएं शायद इसीलिए कि यू नो सब लोग सेम नजर आए, यूनिफॉर्मिटी आए, मगर फिर ऑफ कोर्स लाइक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, सो हाउ डू यू सी इट, कभी आपने खुद फेस की है ये चीज? बहुत बार होता है कि उसके इतने प्यारे कपड़े हैं, और दूसरी बात ये होती है कि लाइक समटाइम्स उस तरह के कपड़े होते हैं जो या तो महंगे होते हैं या आई कॉन्ट वेयर देम, इस तरह की चीज़ होती है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को थोड़ा सा आई फील लाइक इन्फीरियर कि ये गलत बात है कि मुझे भी ये कपड़े चाहिए या मुझे ये पहनने चाहिए थे, और फिर वो सारी उसमें मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहने और वो इतनी अच्छी लग रही है और ये वो, तो ये सारी चीज़ें, और इससे मैं अपने खुद अगर बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हूँ इस बात पर, मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं आना यहाँ पे, इस जगह पर नहीं रहना, रिसेंटली हुआ था यहाँ लाइक कि बस, तो उस हिसाब से आई फील है कि इस तरीके से फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें भी उनकी उनके लेवल पे जाने के लिए फिर वही लूज आवरसेल्व्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑलराइट, तो महा जब आप जैसे मैं आपसे पूछने वाली थी हैंडल कैसे करती है, आपने बता दिया कि दिस इज द इजीएस्ट वे हैंडल करती, मैं छोड़ देती हूं, बट डू यू डिस्कस इट विद समवन? ओह या, माय मॉम से बोलती हूं, मैं उनको बताती हूं कि मम्मा ये उससे पहने थे ये वो, तो वो कहती है ठीक है अगली बार हम भी तुम्हें दिला देंगे अगर हुआ तो, इस तरह की चीज़ें और इस तरह का हो जाता है फिर, या मैं खुद ही आपके मैं बोलूँगा कि इतना आई गेस मुझे पर्सनली इफेक्ट नहीं करता ये, ज़्यादातर जो हम लोगों ने देखा है वो रिबेलियस फैक्टर एक आ जाता है पेरेंट्स के साथ कि अम्मी अब्बू नहीं ये मुझे चाहिए, अम्मी अब्बू बोलते हैं बेटा नहीं, एंड वो एक छोटी सी झगड़ा होता है, उधर मैच्योरिटी चाहिए कि हाँ चलें सही है कुछ चीज़ें मुझे मिल सकती हैं कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती, इतना डाउन इफेक्ट एटलीस्ट पर्सनली मुझे नहीं होता। ओके, एक और भी चीज़ होती है बाय द वे आमना, कि एक तो ये कि किसी ने कोई महंगा ड्रेस पहना है, एक दूसरा ये कि हर बच्चे की पर्सनालिटी ऑफ कोर्स अलग है, कभी कभी स्पेशली इस एज में आप देखते हैं कि वो कितना अच्छा कैरी कर रही है और अगर आप वो सेम ड्रेस पहन लेंगे यू वुडंट बी एबल टू कैरी, सो यहाँ पर पेरेंट्स का क्या रोल आता है कि बेटा आप वो पहने जिस पर आप कंफर्टेबल है? आई थिंक सो, मैं पहले तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिव बात है कि यू नो एक जगह पे आके अपनी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्रेस करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से कि मुझे ये बात बुरी लगती है, सो यू नो, एंड मैं ये बहुत कम देखती हूँ अपनी प्रैक्टिस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक सो अगेन ये काम घर से ऐसे शुरू होता है कि जब आपके बच्चे होते हैं ना 2-3, ठीक है, तो आप उनको ना आपस में कंपेयर करते हैं, उसके कपड़े इसको पहना दिए, इसके कपड़े उसको कर दिए, आप बच्चे को सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड चॉइस नहीं देते। सही, जब आपने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और चॉइस नहीं दी ना कि अच्छा मुझे ये नहीं मुझे ये पहनना है, चाहे वो आपकी पसंद की 2 चीज़ें थी पर चूज तो बच्चे ने कर लिया, तो फिर ये होता है कि बच्चों को ये समझ नहीं आता, उनको लगता है अच्छा इस पे ये चीज़ अच्छी लगी, आप ही पे अच्छी लगी थी मुझ पे भी अच्छी लगेगी, भैया पे अच्छी लग रही थी मुझ पे भी अच्छी लगेगी, देन आप दुनिया में बाहर जाते हैं। देखिए एक होता है ना, एक दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा होता है, एक घर इतना सा होता है, जब इसमें जो आप सीखते हैं ना वही आप इसमें अप्लाई करते हैं। आप जब बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं अच्छा उसने ऐसे कपड़े कैरी अच्छे किए, क्या पता वो आपकी बॉडी टाइप के ही ना हो, क्या पता वो आप ऐसे अच्छे ना लगते हो, लेकिन बिकॉज शी वॉज लुकिंग नाइस एंड यू कैन रिलेट इट, ओ माई सिस्टर वॉज लुकिंग नाइस इन समथिंग आई कैन ऑल्सो वेयर इट बिकॉज आई विल लुक नाइस, ये कंपेरिजन अगेन घर से स्टार्ट होता है। आपको बच्चों को थोड़ी चॉइस सिखानी चाहिए, उनको अपनी बॉडीज़ को अपने टैलेंट्स को अप्रिशिएट करना सिखाना चाहिए, इसलिए मुझे लगता है तारीफ कॉम्प्लीमेंट मुख्तलिफ होने चाहिए। अगर आप एक बच्चे को एक चीज़ पे कह रहे हैं तो दूसरे को दूसरी चीज़ पे कह दें, ताकि वो एक चीज़ को कंपेयर ना करने लग जाए, उसको अपनी स्ट्रेंथ छोटी उम्र से पता हो। और मुझे लगता है ये स्कूल्स में भी होना चाहिए, हम जब स्कूल्स के करिकुलम देखते हैं बच्चे के, हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ होता है,
रादर देन गिविंग के जो बच्चा बोलने में अच्छा होगा उससे हम बात करेंगे, हमें अलग अलग स्ट्रेंथ्स निकालनी चाहिए हर क्लास के अंदर, ताकि स्ट्रेंथ कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से बच्चे उन्हीं के बीच में फंसना चाहें रादर देन अपने आप में. सो आई डू थिंक सो कि ये चॉइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइसेस उनको देते हैं जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ्स को फिगर आउट करें रादर देन वो आपकी स्ट्रेंथ जैसे बनना चाहें. वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट. और महा और हमजा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ऑलमोस्ट हमारे थोड़ी सी देर में जाने का टाइम होगा, कि आप लोग ऑफकोर्स यू आर वन ऑफ द वाइज किड्स, आई वुड लव टू से दैट बिकॉज आप इतना इनसाइट शेयर कर रहे हैं. सो इस सिचुएशन में जो भी वर्स्ट सिचुएशंस हुई हैं आपके साथ, चाहे आप उसको शेयर करते हुए बताना चाहें या उसके बगैर शेयर किए, आप किस तरह हैंडल करती हैं और दूसरों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं किस तरह हैंडल करती हूँ, यूजुअली कि मैं अपने आप को रीअश्योर करती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो इस तरह के, आई फील लो कि उसने इस तरह किया या कंपेयर करना शुरू कर दिया समथिंग लाइक दैट, तो आई रीअश्योर माई सेल्फ कि देखो आई कॉन्ट बी लाइक अदर पीपल एंड आई डू नॉट हैव टू फिट इन एवरीवेयर. मतलब मैं हर इंसान की तरह नहीं हो सकती, हर इंसान मेरी तरह नहीं हो सकता और मुझे हर इंसान की तरह बनने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज मेरी अपनी पर्सनैलिटी है. सो आई फील लाइक दूसरों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि हर इंसान की अपनी जो एक नेचर होती है, अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसी को बेहतर करें इसके बजाय कि आप दूसरों को कॉपी ना करें बेसिकली, और लाइक प्रेशर में इतना ज़्यादा ना आए बिकॉज इट्स लाइक कि अपनी जो एक आप पर्सनैलिटी वो आप लूज़ कर जाते हो बीच में, और अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपने भी करना है, और आपका अपना सर्कल हो सकता है, आप अपने ही दोस्तों में अच्छे रह सकते हो इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों के साथ दूसरों की वैलिडेशन चाहते हैं इस तरह से. एब्सोल्युटली हमजा, व्हाट वुड यू से? मैं बोलूंगा कि महान एक बहुत ही अच्छा पॉइंट यू नो सम अप किया है कि खुद को रीअश्योर करना है कि देखो मुझे नहीं बनने की जरूरत कोई और, मैं खुद ही सही हूँ. अब ये तो चीज़ जिससे मैं डील करता हूँ. एक और चीज़ यही है कि ज़रूर कभी कभार हम आ जाते हैं प्रेशर के अंदर, तो हम एक बार आ गए इट्स ओके, नो हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ भी कर लो, खैर होती है. वेरी गुड. कभी कभार आप गलती कर देते हो, उससे आगे बढ़ो, सीखो उस गलती से, बोलो कि यार देखो ये मेरी जर्नी है, मैं ऐसे सीखूंगा, और हाँ ऐसे मैंने खुद कॉम्बैट किया पीयर प्रेशर. ये जो बच्चे बात कर रहे हैं ना आप ना, मुझे लगता है बच्चों को तो समझाने की जरूरत नहीं, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी ऐसे स्मार्ट बच्चों को हैंडल करने के लिए पीयर प्रेशर से? आई थिंक सो आई एग्री टू दिस के ये समझने की जरूरत है इस उम्र में खासतौर पे कि ये उम्र टेम्परेरी है, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, यू विल ग्रो आउट ऑफ इट, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू हैव टू मेक मिस्टेक्स. तो गलतियाँ कर लें, उससे सीख लें, ये उम्र टेम्परेरी है, निकल जाएगी, सो यू विल मिस दिस. सो आई थिंक सो ओनली अंडरस्टैंडिंग कि ये वक्त गुजर जाएगा, सो इसमें जितना सीख सकते हैं सीख लें. And they'll be good to go. When they become old, they'll be good to go. Awesome, amazing. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का आने का. And हमने जब decide किया था इस topic को, तो हम चाह रहे थे कि कोई ऐसे यहाँ पे बच्चे आए जिन्होंने ना कुछ experience किया हुआ बल्कि वो उसको समझा भी पाए, और यहाँ पे समझाना तो सही था, उन्होंने तो हल भी दे दिया, उन्होंने तो जो है ना वो बिल्कुल एक wisdom के साथ आपके साथ share किया है. So the way I would like to conclude this topic is, जैसे कि हमारी अब एक्सपर्ट ने भी कहा कि इट्स ओके आप ये प्रेशर में आकर अगर कोई गलती करते भी हैं, इट्स फॉरगिवेबल, नो प्रॉब्लम, आपकी आइडेंटिटी उससे, दैट इज़ नॉट योर आइडेंटिटी. उसके बाद ज़िंदगी में बहुत कुछ आप और करेंगे और यकीनन उससे सीखने के बाद उससे बेहतर ही करेंगे. तो इसी नोट के साथ जो है वो ब्रेक पे जाने का टाइम हुआ है. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ओरिगामी क्या है, पेपर को फोल्ड करेंगे, एंड इट्स एन आर्ट, हम आपको करके दिखाएंगे राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक.